जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं वे मंजिल के उजाले को पा नहीं सकते। अगर वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं है जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में कई चीजों को बदल सकता है, इसे अपनाओ और आज से ही खुद को इम्प्रूव करो। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है और घी में मक्खी पड़े तो मक्खी फेंकता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। खूबियां और खामियां सब में होती हैं, इतना बेहतर की तलाश में ना रहो कि बेहतरीन खो दो। असंभव कुछ नहीं होता, या तो आपकी संगत बुरी है या तो फिर सोच छोटी है। सब कुछ दांव पर लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। कठिनाइयां केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से खत्म करने की ताकत रखते हैं। अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो वास्तव में है ही नहीं। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान ही है। हम किसी व्यक्ति की अच्छाइयों से ही प्रभावित होते हैं, उसकी बुराइयों से नहीं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। मित्रता करना सहज है लेकिन उसको निभाना कठिन है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनु से मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। कठिनाई तो आएगी, मंजिल की यह फितरत है। इससे लड़ेगा वही शख्स जिसके अंदर लगन और हिम्मत है। अपनी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, हर एक फल का अपना अलग ही स्वाद होता है। एक सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे आंसुओं को तब भी देख लेता है जब दुनिया सोचती है कि तुम बहुत खुश हो। जो उम्मीद दूसरों से करते हो वो खुद से करो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। उम्मीद की किरण इतनी भी छोटी क्यों ना हो पर निराशा से बेहतर होती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। रिश्तों की ताकत पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई और वफादारी में होती है। अपने हालातों से न डरें, क्योंकि अल्लाह अपने सबसे मजबूत सैनिकों को ही सबसे मुश्किल लड़ाई देता है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बने, विश्वास रखें परिश्रम का फल सफलता ही है। ये मत सोचो कल का दिन खराब था, ये सोचो आने वाला कल कैसे बेहतर बनाना है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है।
सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। धन समृद्धि से युक्त बड़े बड़े राज्यों के राजा महाराजाओं की तुलना उस चींटी से नहीं की जा सकती है जिसमें ईश्वर का प्रेम भरा हो। सुहृद वही है जो विपत्तिग्रस्त दीन मित्र का साथ दे और सच्चा बंधु वही है जो अपने कुमार्गामी बंधु की भी सहायता करे। ज्ञान किसी भी दौलत या समृद्धि को बढ़ा सकता है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें, इसे दूसरे के हाथों में न डालें। जो पुरुषार्थी मनुष्य निष्कपट सरल स्वभाव होकर अग्रगामी होता है वह सभी संकटों को हराकर आनंद प्राप्त करता है। परिवार में सिर्फ अपने लिए जीने वाले आखिर में अकेले रह जाते हैं। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ न समझे उसे दर्द क्या बताना। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं इसलिए स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। किस्मत सबको मौका देती है पर मेहनत सबको चौंका देती है। दो कदम आगे बढ़कर तो देख मंजिल साफ नजर आएगी, थोड़ी मेहनत करके तो देख सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। दौलत तो विरासत में मिल सकती है लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। बूंद सा जीवन है इंसान का लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। स्वीकार कर लीजिए जो कुछ आपके पास है वो सबसे अच्छा है। बिना स्वार्थ बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाले भी सौभाग्य से मिलते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ हमारा ही है क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। नींद उनके लिए नहीं होती है जो अपना सपना पूरा करने के लिए जीते हैं। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज कर सकता है। या तो बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे, परवाह नहीं लोग कितनी दफा गिराएंगे। निकले हैं घर से तो लौट कर नहीं जाएंगे, मंजिल मुश्किल है मगर जीत के आएंगे। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को समझाने से आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी। न कोई किसी का मित्र और न ही शत्रु, कार्यवशी लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। जियो और जीने दो, किसी को दुख मत दो क्योंकि सभी का जीवन उसके लिए प्रिय होता है। हौसले की तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ना करने वाले केवल बहाने ढूंढते हैं और करने वाले मेहनत से करके दिखाते हैं। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत प्राप्त करना खुशी देता है। बड़ा और महान व्यक्ति वह होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा और तुच्छ ना समझे। हारने ना देना मेरे प्रभु, कठिन इम्तिहान है, जीतने में ही प्रभु हम दोनों का मान है। आपके भरोसे हूँ मैं, यही मेरी पहचान है। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस विषय पर शोक करना व्यर्थ है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान आपकी रक्षा करता है। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था, और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सबसे अधिक ज्ञानी वही है जो अपनी कमियों को समझकर उसका सुधार कर सकता है। भरोसा रखना, जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। सामने वाला आपका सम्मान तब तक करता है जब तक आप उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। मजबूर और मजबूत में ज्यादा फर्क नहीं है। स्वार्थी मनुष्य से मित्रता करोगे तो वो आपको मजबूर बना देगा, सच्चे मनुष्य से मित्रता करोगे तो आपको मजबूत बना देगा। संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इसमें लगने वाला फल मीठा होता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखें। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। अच्छे तो सभी होते हैं, मगर पहचान बुरे वक्त में ही होती है। रिश्ते निभाना एक ताले से सीखना चाहिए, वो टूट जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े का उत्तर था, जिसका अतीत भी मिट्टी का और भविष्य भी मिट्टी, तो उसे किस बात की गर्मी होगी। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। शुद्ध आचरण से, चरित्रवान बनने से स्त्री पुरुष निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त करते हैं। परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, हमेशा धैर्य बनाए रखें। शरीर का दुख तब मिटता है जब मन का दुख मिटता है।
सच्ची सुंदरता हृदय की पवित्रता में है। इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन अज्ञानी पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर पांच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। सिर्फ खड़े होकर पानी को ताकते रहने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। सुंदरता को आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती, मृदुता आभूषणों का भार वहन नहीं कर सकती। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। प्रेम से तो अपने विरोधी पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मित्रता करना सहज है, लेकिन उसको निभाना कठिन है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। हम किसी व्यक्ति की अच्छाइयों से ही प्रभावित होते हैं, उसकी बुराइयों से नहीं। उपकार करना मित्रता का लक्षण है और अपकार करना शत्रुता का। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। थाम के रख उम्मीद का दामन, तो हर वक्त तेरा है। जहां मन से हारा नहीं वहां नया सवेरा है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना शायद बुरा होने से भी बुरा है। मन तो करता है बहुत कुछ बोल जाऊं, मगर कुछ बोल नहीं पाता। वो कहते हैं ना, जो इंसान सहना सीख जाता है वो बोलना छोड़ देता है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर औरों को दिखाया करो। पहले खुद की कमी को दूर कीजिए, फिर दूसरों की कमियां बताया करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बेहतर संबंध है। एक शब्द और एक रिश्ते की कीमत तभी पता चलती है जब दोनों निकल जाएं, एक मुंह से दूसरा जीवन से। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल होती है। बुराई नौका में छिद्र के समान है, वह छोटी हो या बड़ी एक दिन नौका को डुबा ही देती है। मुंह से निकले हुए अपशब्द आकाश के तरफ फेंके गए पत्थर के समान है, जो लौट कर फेंकने वाले पर ही गिरता है। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है।
माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए प्रतिदिन बेहतर काम करना चाहिए, परिणाम समय पर जरूर मिलेगा। अनुशासन कठिन जरूर लगता है, लेकिन आदत बन जाए तो अच्छे रिजल्ट की गारंटी देता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहले अपने मन के विकारों को खत्म करना जरूरी होता है। व्यक्ति को यह छूट है कि वह न्यायपूर्वक और धर्म के मार्ग पर चलकर इच्छानुसार सुखों का भरपूर उपयोग करे, लेकिन उसमें इतना आसक्त न हो जाए कि अधर्म का मार्ग पकड़ ले। इस बात को प्रकट नहीं होने दें कि आप क्या करने की सोच रहे हैं। बुद्धिमानी से इसे राज बनाए रखिए और उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध रहिए। दुख दर्द में सबसे बड़ा दोस्त संतोष होता है। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। विद्वानों के सदउपदेश से मनुष्यों के आत्मा और मन को उत्तम आदेश मिलता है और दुर्वजन आदि दुर्गुण दूर होते हैं। जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तु के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आ पड़ने पर घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, वही ज्ञानी है। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उस अत्याचार को सहन करने वाला होता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। सब दानों में ब्रह्मा यानी विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ है। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित हैं। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान वाणी से ही होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। शरीर जल से साफ होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से तथा आत्मा धर्म से साफ होती है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक पे है ना ही कहीं और। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। अपनी बात के धनी लोगों के निश्चय मन को और नीचे गिरते हुए पानी के वेग को भरा कौन फेर सकता है। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। गीता उपदेश। सफल जीवन के लिए 5 महत्वपूर्ण गीता संदेश। मन पर नियंत्रण, स्वयं का आकलन, क्रोध पर काबू करें, फल की इच्छा भूल, कर्म पर ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए।